हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। बच्चे स्कूल चले गए हैं और आज नुमाइश की थी कि उनको ब्रेड रोल खाने थे, तो मैंने उनको बना के स्कूल में दे दिए थे। ब्रेड रोल्स रेडी हो गए हैं। तो अब मैं अपने बस बाकी काम निपटा रही हूँ, लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। अभी बच्चे आएंगे तो आपसे मिलवाती हूँ। हेलो हेलो दी, गाइस, मैं आ गया हूँ। आ गया स्कूल से हर्ष। कैसा रहा आपका दिन? अच्छा था। अच्छा था। ठीक है, अब खाना खाने बैठा ही है। इसको हाँ, आज बाहर की दाल खानी थी, कह रहा है माँ राजमा की दाल। रोटी मैंने घर पे बना दी, तो इसकी फेवरेट है माँ राजमा, है ना? दाल मखनी। माँ राजमा दाल मखनी एक ही होती है, उसी को ही बोलते हैं। चाहे माँ राजमा बोलो, चाहे दाल मखनी बोलो। खा लो। नवा मैडम तो नहीं खा रही अभी। खाना नहीं खाना है? क्यों नहीं खाना बेटा? मुझे भूख नहीं लगी। भूख नहीं लगी अभी कह रही है। चलो ठीक है, थोड़ी देर। ठीक है, फिर थोड़ी देर में खा लेना। ओके ओके। आज मैडम स्कूल गई है ड्रामेबाज। कल तो गई नहीं थी, आज गई। लेकिन ठीक है, अब नौटंकी नहीं देखूंगी मैं इसकी। अब ये ड्रामा करेगी भी तो भी इसके ड्रामे को हम कोई बिलीव नहीं करेंगे। नाटक करती है ना। लो बेटा आपके चॉकलेट्स, पी लो दूध। किस पैक साफ कर दिया, जल्दी आ जाना खेल के। ठीक है ठीक है, होमवर्क भी करना है फिर आपने, जल्दी हाँ आ ठीक है। जाना। अच्छा मम्मी, मेरे ना एमबीएस के नोटबुक में ना क्वेश्चन आंसर्स वाले प्लेन पेज पे ना एक लोटस का डायग्राम बना लेना। ठीक ठीक है, जब आप आओगे मैं बनवा दूंगी। बाय। है, बाय। आराम से उतरो धीरे धीरे। और गाइस यहाँ पे हर्ष अपना होमवर्क कर रहा है और नवे मैडम खेल के आ गई है। अब होमवर्क पड़ा हुआ है। क्या हुआ? ये जो ड्राइंग पेंसिल है ये देखो ना, ये इसके साथ हो गया। अब अगर मैं ऐसे लिखूंगी तो ये लिखा नहीं जाएगा। तो लाओ मैं ठीक से शार्प करूँ, तुम शार्प ठीक से करती नहीं हो। लो भाई ये लो। और अरे कौन से ड्राइंग हाँ, का काम करना है? लाओ रखो। यहाँ लोटस बनाना है तैरता हुआ। तो आपसे बना नहीं क्या यहाँ पे? नहीं, मैंने देखो ना ट्राई किया था। लाओ पिक्चर लाओ, कहाँ से जो बनाने वाला है। अपने मन का ही लोटस बनाना है। मन से बनाना है। हाँ, खाली लोटस बनाना है। अच्छा चलो मैं ट्राई करती हूँ। पहले इसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। रबर हाँ दो, भैया, इरेजर देना। ये रहा। फिर ऐसे कुछ पता नहीं, मुझे भी नहीं आता, बट मैं ऐसे ही ट्राई कर रही हूँ। बहुत अच्छा। पता नहीं ऐसे ही है क्या? हाँ, ये तो बहुत रियल लग रहा है। लग रहा है किसी ने लोटस ने कुछ रियल ही बना दिया है। पता नहीं, मैं तो ऐसे ही ट्राई किया है। पता नहीं गाइस ये बहुत अच्छा सही दिख रहा लग है कि नहीं। और फिर इसके नीचे शायद ऐसे बड़े से पत्ते होते हैं, पता नहीं, तो छोटी डंडी सी होती है। ऐसे करके कुछ सर्कल या ऐसे टाइप के पत्ते होते हैं, रहा है, जैसे भी इसी होते तरह हैं। से कुछ ऐसे पत्ते होते हैं कुछ। और यहाँ पे ऐसे शायद वाटर होता है, क्योंकि पूरे वाटर में ऐसे कीचड़ में खिलता है ना कमल, उस कीचड़ तरह में से नहीं, वाटर। वाटर में। अब पत्ते मुझे याद नहीं आ रहा, इस तरह से है शायद, ये इस तरह से होता है इसके पत्ते शायद। एक मिनट, पता नहीं बट काम चला हुआ है। आई थिंक चल जाएगा ये। ठीक है ना, मैं आपने नहीं बनाया इसको? बना दिया, हाँ ठीक है, फिर ऐसे तो ये और बड़ा हो जाएगा। बस बस बहुत बड़ा हो गया है। वेट अ मिनट, हाँ अब ठीक ठीक है। है। हाँ, अब तो बहुत ही प्यारा लग रहा और है। यहाँ पे एक बड़ा सा खत्म, फिर वो बड़ा दिख रहा है, ये ज़्यादा दिख रहा है, फिर को इसको मिटा देते हैं। या तो वो मुझे नेट पे देखना पड़ेगा कैसा है। नहीं, ऐसा ही ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा ही। थैंक चलो ठीक है, फिर इसमें अब कलरिंग वलरिंग कर लो। यू। हर्ष तुम्हारी पढ़ाई क्या?
गाइस आपको याद है हमारा क्रिएटिविटी वाला ये नब्बे ने बनाया था पेंसिल बॉक्स। अगर आपने हमारा पुराना व्लॉग देखा होगा तो याद है ना मैंने इसमें ये डेकोरेट करके बनाया था और अंदर से भी सही बात है। ये वाला मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है। देखो यहाँ मैंने इस बास्केट बना दिया है। अच्छा बास्केट जैसे बना दिया उसके अंदर नब्बे ने अपने सामान रखा है। और एक और लेके जाती है मैडम साथ में वो ये वाला है बस ये तो नॉर्मल इसका ऐसा है पेंसिल ये इसमें पेंसिल छोटू मोटू पेंसिल है और इसमें बड़ी पेंसिल्स भी। तो ये किस चीज का है फिर ये भी लेके जाती है पेन मार्कर ये एक्स्ट्रा रबड़ वगैरह ओके दोनों लेके जाती है मैडम साथ में। यहाँ पे हर्ष कलरिंग कर रहा है यहाँ नवे मैडम भी रगड़ने में लगी हुई है कलर ये देखो कलर की लो कलर की निप घिस दी खत्म हो गया। अच्छा अब पीछे की तरफ में ट्री और अरे ये दोनों कलर्स आपस में मिक्स तो नहीं कर दिए फिर लड़ोगे एक दूसरे के साथ फिर कलर्स मिक्स हो जाएंगे फिर दोनों का महायुद्ध शुरू हो जाएगा कि ये मेरा कलर है ये मेरा कलर है। अभी मिक्स करके बैठे अपने अपने गिन लो 12 12 होने चाहिए और पैकेट में नाम भी लिखा है मैंने तुम्हारे इसके लिखा है नव्या के नव्या हर्ष के भी इस पे लिखा हुआ है पीछे। हाँ ये 12 होंगे और तुमने कमल इस वाले पे लोटस पे कर दिया वाओ ये गाइस देखो कितना अच्छा कलर कर लिया इसने वाटर प्लांट पूरे 12 है। अभी थोड़ा सा कलर कर रही है और थोड़ा सा डार्क करना और ये क्या बना रही है लैंड प्लांट इसमें दिखा रही है ट्री वाटर लिली भी हो सकता था पर मुझे वाटर लिली बनाना नहीं आता ना मम्मा करता है आता नहीं है? वाटर लिली बना लेते एक बार नेट पे देख लेते या तो नहीं तो बुक में होता तो ऐसे देख के तो बना ही लो इतना क्या मेहनत करते तो इससे अच्छा लोटस बना लो भाई आसान वाला लोटस भी आपने कौन सा बनाया आसान वाला वो भी तो आपने मुझसे बनवाया है लेकिन नेट पे एक बार सर्च करते ना तो फिर नेट पे मिल जाता है जो फोटो नहीं आती है उसको आप देख सकते हो लेकिन मैंने तो खैर अंदाजे से बनाया मुझे भी कोई खास नहीं आती ड्राइंग बनानी ये गिलहरी है अच्छा और ये इसके नट्स लगे हुए हैं जो ये खाती है। अच्छा मैंने भी ब्राउन ही कर दिए थे क्योंकि नट्स भी ज्यादातर ब्राउन है। तो अपना फोन लेके बैठ गए पढ़ाई खत्म फोन पे कूद गए है ना मम्मा यहाँ भी तो करना था इन फ्लावर्स और ग्रास में इसमें ग्रीन कलर कर दो ना और फिर अपने कलर सारे भर लेना इसके अलावा क्या काम है फिर होमवर्क और क्या है और तो कुछ नहीं फोन में चेक करूँ मैं भी देखती हूँ। हाँ। गाइस मैं अब वाटरमेलन लेकर आई हूँ और देखिए कैसा निकला है रेड नहीं है कुछ खास नहीं है वाइट वाइट सा निकला है पता नहीं नव्या मैडम तो खा रही है कैसा लगा नव्या आपको थोड़ा बहुत मीठा है मीठा लग रहा है पता नहीं गाइस ये पता नहीं रेड भी नहीं निकला है आज सुबह लेके आए हैं लेकिन ऐसे वाइट वाइट सा निकला है हर्ष खा लो पता नहीं शायद मीठा है कि नहीं टेस्ट करके बताते हैं तो, बिल्कुल वाइट सा ही है कोई पता नहीं यार कैसा निकला आई डोंट नो बिल्कुल मीठा है मीठा भी नहीं इतना बेकार सा निकला है इसके बीज वेस्ट हो गया बेकार बस टाइम पास करने के लिए खा रहे हैं पता नहीं हर्ष खा ले एक पीस हर्ष को तो नहीं खाना देखते हैं कितना खाया जाता है तो फिर अब फेंकने में जाएगा शायद ये देखिए गाइस बड़ी मुश्किल से ही हमने इतना खा पाए मतलब ये थोड़ा सा खा पाए बस ये बाकी सब छोड़ दिया हर्ष ने तो खाया ही नहीं नव्वे ने मैंने खाया और आप देख सकते हो कितना सफ़ेद सफ़ेद सा निकला है लाइट की वजह से आपको लाल दिख रहा है बट एक्चुअल में बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद है मतलब एकदम ख़राब निकला। हस्बैंड लेकर आए थे सुबह नव्वे को लाते टाइम स्कूल से तो जो मॉल है वहाँ से लेके आए तो वहाँ पर ऑब्वियसली कटवा के तो देख नहीं सकते तो उनको मालूम नहीं था और ये बेकार निकला तो सारा मूड ऑफ हो गया नव्वे को इतना मन था खाने का बेचारी ने ठीक से खा ही नहीं पाई। ओ वाओ घूमता रहेगा हर्ष ऐसे
अब सीख गई नव्या। पर अब नीचे जाते जाते घूमते घूमते तो गिर ही जाते हैं। ये क्या नया शो है भाई? बेटा पर्दा टूटेगा, झूला थोड़ी होता है ये। हाँ पर्दा टूटेगा, छोड़ दो नव्या, छोड़ो नव्या, वो टूट के छोड़ दो। ये अच्छा बिल्कुल नहीं है, नहीं अच्छा लग रहा, पता नहीं ये वाइट खराब निकले एकदम, टेस्ट नहीं आ रहा, मीठा ही नहीं है। गाइस पता नहीं यार आज ऐसे ही निकले सब, वाटरमेलन बेकार निकले, पर अब कुछ नहीं कर सकते, पैसे भी वेस्ट हो गए, चीज़ भी वेस्ट हो गई, खैर किसी को पता नहीं था। बट अब मैं बस अपने काम निपटाती हूँ, अभी ये तो ख़राब हो गया, कोई खा नहीं रहा, फेंकने में जाएगा या फिर देखती हूँ क्या करते हैं इसका। और हम आपसे मिलेंगे अपने कल के ब्लॉग में, क्योंकि मुझे अभी काम करना है, मुझे खाना वाना बनाना है बच्चों के लिए, फिर उनको टाइम से सुलाना है, सुबह स्कूल है, दूध उध भी देना है खाने के बाद। तो मैं आपसे अब मिलती हूँ कल के ब्लॉग में, तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कि आज का ब्लॉग कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।